Hi friends, this is Jay and today in this video we are talk about how we can pick image from gallery and from camera. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. Please subscribe to my channel and hit the bell icon for more latest video update. तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. एक iOS app. Next, तो नाम रख देते हैं इमेज पिकर डेमो लैंग्वेज स्विफ्ट और लाइफ साइकिल यूआई किट ऐप डेलीगेट है. ठीक है, नेक्स्ट. और इसको अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है. एक बार इसको रन करके पहले अगर मेन स्टोरी बोर्ड हो जाते हैं टिल कर देते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं. रन करते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स पे. ठीक है, अब अपना एक बार काम है. अपने एक यूआई डेमो यूआई तैयार कर लेते हैं सबसे पहले. तो उसके लिए क्या करते हैं, एक इमेज व्यू लेते हैं जो कि जो अपन पिक करी हुई इमेज इसमें दिखा देंगे. अभी से डेमो पर्पज के लिए यूआई बना रहा हूँ मैं. ये एक बटन दे देते हैं जो कि इमेज को पिक करने के काम आएगा. इसको भी व्यू पे पटक देते हैं. इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं. इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं लेफ्ट से 10, राइट से 10, बॉटम से 10 और इसकी हाइट सेट कर देते हैं 50. ठीक है, और अब इसका टाइटल चेंज कर देते हैं एड इमेज. इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 20x22 कर देते हैं. फ़ॉन्ट स्टाइल कर देते हैं इसका बोल्ड. और इसका फ़ॉन्ट कलर कर देते हैं टेक्स्ट कलर वाइट. और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक. ठीक है, इसके एक आउटलेट बना लेते हैं इसके अपनी व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर. सबसे पहले इमेज व्यू का बना लेते हैं क्योंकि इमेज शो करने का काम आएगा. इमेज व्यू सेकंड बना लेते हैं बटन का एक्शन क्योंकि अपनी इमेज पिक करेगा. ठीक है, एड इमेज प्रेस कनेक्ट. ठीक है, इसके बाद रन करके देख लेते हैं. ठीक है, अपना यहाँ तक का काम हो गया डन. अब सीधा चलते हैं व्यू कंट्रोलर के अंदर. अपना व्यू का स्टोरी बोर्ड का काम हो गया. तो ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इमेज पिकर के लिए इसके दो डेलीगेट्स होते हैं. एक तो यूआई इमेज पिकर कंट्रोलर डेलीगेट. ठीक है, दूसरा यूज करना पड़ेगा अपन को यूआई नेविगेशन कंट्रोलर डेलीगेट. ठीक है, सबसे पहले अब ऐड इमेज के बटन पर प्रेस करेगा तो यूजर क्या करना है. सबसे पहले अपन उसको एक अलर्ट दिखाते हैं जो कि अलर्ट में वो ये शो करेंगे कि वो उसे इमेज कैमरा से पिक करनी है कि गैलरी से. उसके लिए एक अलर्ट कंट्रोलर बना लेते हैं. सबसे पहले एट ए सी इज इक्वल टू यू आई अलर्ट कंट्रोलर. इसका टाइटल मैसेज ले लेते हैं. टाइटल दे देते हैं सेलेक्ट इमेज और स्ट्रिंग दे देते हैं फ्रॉम, यहाँ देते हैं सेलेक्ट इमेज फ्रॉम, नहीं मैसेज थोड़ा सा ठीक है, मैसेज आपको चेंज कर लेना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से. और इसका स्टाइल दे देते हैं एक्शन शीट. ठीक है, अब अपने लिए अपने सबसे पहले इसका एक्शन बनाते हैं एक कैमरा के लिए. कैमरा बटन इक्वल टू यूआई अलर्ट एक्शन. इसका टाइटल कर देते हैं कैमरा
स्टाइल डिफॉल्ट और हैंडलर में अभी इसको खाली प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट कैमरा प्रेस, ठीक है। एक एक्शन बना लेते हैं फोटो लाइब्रेरी के लिए। बटन इसमें दोबारा यही कॉपी कर लेते हैं। इसका भी स्टाइल डिफॉल्ट दे देते हैं। इसमें भी प्रिंट कर देते हैं अभी के लिए। ये सेलेक्टेड, ठीक है। अब एक एक्शन बना लेते हैं जो कैंसिल के काम आएगा। कैंसिल, अलर्ट एक्शन, टाइटल दे देते हैं इसका कैंसिल, स्टाइल दे देते हैं कैंसिल, डिफॉल्ट हैंडलर में इसको नील पास कर देते हैं क्योंकि इसका हमें हैंडलर चाहिए नहीं, ठीक है। अब इन तीनों एक्शन बटन्स को इस अलर्ट कंट्रोल में अपन ऐड कर देते हैं। हेडी डॉट ऐड एक्शन, कैमरा बटन, सी डॉट ऐड एक्शन, लाइब्रेरी बटन, तीसरा ऐड कर देते हैं कैंसिल बटन, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसको विंडो पे शो करवा देते हैं व्यू के ऊपर। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट प्रेजेंट अलर्ट कंट्रोलर एनिमेटेड प्रो, कंप्लीशन में हमें कुछ नहीं करना है इसके, तो नील पास कर देते हैं। एक बार इस बार रन करके देख लेते हैं हमारा अलर्ट आता है कि नहीं आता। इमेज ठीक है, कैमरा प्रेस, लाइब्रेरी प्रेस, ठीक है, ओके, वर्किंग फाइन, ठीक है। अब इसके प्रेस पे अब हमें क्या करना है, जैसे ही अगर यूजर कैमरा सेलेक्ट करता है तो हमें एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट गन, क्या करेगा पिक इमेज, शो इमेज पिकर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं शो इमेज पिकर, ठीक है। इसका एक टाइप देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पैरामीटर पास करते हैं सोर्स, सोर्स ए टाइप का होगा यूआई इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट सोर्स, सोर्स टाइप, ठीक है। ये फीचर कम आएगा, बताऊंगा आपको क्यों आएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसके लिए हमें सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सोर्स अवेलेबल है कि सिलेक्टेड सोर्स, जैसे कैमरा सेलेक्ट किया यूजर ने या लाइब्रेरी सेलेक्ट किया, तो ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये करते हैं गार्ड स्टेटमेंट लगाते हैं जो कि ये चेक करेगा कि सोर्स टाइप अवेलेबल है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गार्ड यू आई इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट सोर्स टाइप अवेलेबल, इसके अपन पास कर देंगे सिलेक्टेड सोर्स, इसका नाम चेंज कर देते हैं सिलेक्टेड सोर्स कर देते हैं, सिलेक्टेड सोर्स, यहाँ लिख देते हैं इसका सीएल सिलेक्टेड सोर्स, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज। और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सिलेक्टेड सोर्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। और इसको अपन यहीं से रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना सबसे पहला काम क्या होगा, अपन सबसे पहले यहाँ पर आएंगे इमेज कंट्रोलर, इमेज पिकर कंट्रोलर, इसके अंदर रखेंगे यू आई इमेज पिकर कंट्रोलर, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, अपन इसका डेलीगेट ट्रू करेंगे, सेट करेंगे इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ, जो कि अपन को डेलीगेट्स के जो इसके मेथड होते हैं और अपने काम में आएंगे, जो कि इमेज पिक करके लाएगा और इसकी कैंसिल डेलीगेट जो काम में आएंगे वो अभी अपन आगे देखेंगे। तो उसके लिए सर डेलीगेट हो गया। और इसके बाद इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट, अब इसका सोर्स टाइप अपन सेलेक्ट करेंगे कि सोर्स टाइप क्या है, कैमरा है कि लाइब्रेरी है, कैमरा से पिक करनी है यूजर को या लाइब्रेरी से। तो इमेज पिकर कंट्रोलर सोर्स टाइप इक्वल टू सेलेक्टेड सोर्स, ठीक है।
तीसरा इसके अंदर एक चीज ये है, वेज कंट्रोलर डॉट अलाउ एडिटिंग, मतलब जो अपन इमेज पिक करेंगे उसमें एडिटिंग आपको करनी है कि नहीं करनी है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, अगर आपको ट्रू करना है तो आप कर सकते हो। अभी अपन इसको फॉल्स रखते हैं, अगर ट्रू भी चेक करेंगे ठीक है। उसके बाद अपन क्या करना है, अपन को इमेज सेलेक्ट करने के बाद इसको प्रेजेंट करवाना है विडले पर, सेल्फ डॉट प्रेजेंट इमेज पिकर कंट्रोलर एनिमेटेड ट्रू कंप्लीशन नेल ठीक है। अब इसको अपन यहाँ फंक्शन को कॉल करवाएंगे यहाँ से, शो इमेज पिकर ये डॉट फ्रॉम कैमरा सिलेक्टेड सोर्स, और अगले में शो इमेज पिकर डॉट फोटो लाइब्रेरी ठीक है। यहाँ अपन क्लोजर के अंदर हैं तो इसको सेल्फ से कॉल करवा देते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ऐड इमेज, एक मिनट यार, एक चीज रह गई, हम एक चीज भूल गए, अपन इसकी परमिशन देना भूल गए। चलते हैं इसके अंदर, यहाँ इसका एक्सेस लेते हैं, प्राइवेसी कैमरा डिस्क्रिप्शन। अभी इसके अंदर स्ट्रिंग में ऐसी डमी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, इसके अंदर अपने यहाँ लिख देते हैं अलाउ कैमरा, एक डमी स्ट्रिंग दे देते हैं अलाउ कैमरा करके ठीक है। और दूसरी स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि फोटो लाइब्रेरी को एक्सेस करेगी, प्राइवेसी फोटो लाइब्रेरी यूजर डिस्क्रिप्शन मुझे अली देनी है। इसमें भी अभी यही कर देते हैं अलाउ फोटोज ठीक है। अब इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं, व्यू कंट्रोलर पर चलते हैं ठीक है। ये रन हो गई, फिर तक एड इमेज, सबसे पहले अपन लाइब्रेरी पे क्लिक करके देखते हैं क्योंकि सिमुलेटर है इसमें कैमरा चलेगा नहीं। या ठीक है, आ गई ठीक है। अब इसको प्रेस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कुछ ठीक है, ये हट गई ठीक है। अब इसको एक बार कैमरा सेलेक्ट करके देख लेते हैं, कैमरा सिलेक्टेड सोर्स इज नॉट अवेलेबल आ गया अपने पास ठीक है। अपना यहाँ तक का काम तो हो गया, अब अपन को इमेज शो करवानी है तो उसके लिए अपने पास के डेलीगेट होते हैं, तो उसके लिए अपने पास के डेलीगेट मेथड्स होते हैं जो कि फर्स्ट है जो कि जो इमेज सेलेक्ट करके लाएगा उसके लिए अपने पास मेथड है डिड फिनिश पिकिंग मीडिया विद इन्फो ठीक है। तो ये इसके अंदर अपन को इमेज मिल जाएगी, तो इमेज सबसे पहले गेट कर लेते हैं। इफ लेट इमेज सेलेक्टेड इमेज इज इक्वल टू इन्फो डॉट, इसके अंदर एक तो आएगा ये एडिटेड इमेज आएगी अगर अपन वहाँ पे इसको एडिटेड ट्रू करते हैं, जो भी अपन ने फॉल्स कर रखा है अलाउ एडिटिंग को, अगर अपन ट्रू करते हैं तो अब जो अपने पास एडिटेड इमेज होगी वो एडिटेड इमेज के अंदर आएगी, अदरवाइज ये ओरिजिनल इमेज के अंदर आएगी, ओरिजिनल इमेज ठीक है। एज यूआई इमेज ठीक है, यहाँ पे इमेज मिल गई, तो उसके अपन को क्या करना है, इमेज इमेज व्यू डॉट इमेज इज इक्वल टू सेलेक्टेड इमेज ठीक है। और एल्स में लिख देते हैं प्रिंट इमेज नॉट सेलेक्टेड या इमेज नॉट फाउंड ठीक है। और उसके बाद हम क्या करना है, इसको डिसमिस करवाना है, लिखते हैं पिकर डॉट डिसमिस एनिमेटेड ट्रू कंप्लीशन में डाल देते हैं नेल ठीक है। और इसका एक मेथड और होता है जो कि अपने जब अपन कैंसिल बटन पे प्रेस करते हैं उसके लिए एक मेथड होता है, उसको भी अपन हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए स्पीकर कंट्रोलर डेट कैंसिल ठीक है,
इसमें भी सेम काम कर सकते हैं अपन, picker dot dismiss animated true completion nil, तो रन करके देख लेते हैं अपना काम हो गया नहीं हुआ। इसको रन करके देख लेते हैं लाइब्रेरी, ये इमेज पिक करते हैं, ठीक है ये अपना काम हो गया, इमेज हो गई। ठीक है गाइस, तो इसको रैप करते हैं वीडियो को यहीं पर ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मैं कुछ नया और लेके आने वाला हूँ इसमें। तो जब तक के लिए बाय बाय।